हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आपके फीस जमा करने को लेकर के अर्थात आपके एडमिशन को लेकर के नोटिस आ गई है और सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे, सारी जानकारी को समझ जरूर लेंगे, एक भी सेकंड के लिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेन जानकारी सोचते हैं कि हाँ जानकारी मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक इस दिन तक जमा होगा, सारी जानकारी को समझ नहीं पाते हैं, जिससे आगे चल उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है सही से और कमेंट करने लगते हैं, इसी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी वीडियो में दी है उसी के बारे में कमेंट करने लगते हैं। तो अब उन बच्चों का रिप्लाई नहीं जाएगा, केवल उन्हीं बच्चों का रिप्लाई जाएगा जो लगेगा कि हाँ मुझे इस वीडियो में जानकारी देनी चाहिए थी और मैंने नहीं दी है, उन बच्चों का केवल रिप्लाई जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जानकारी दी गई वीडियो के माध्यम से और आपने बिना देखे कमेंट कर दिया तो आपका रिप्लाई नहीं जाएगा। समझ लेंगे आप खुद भी कि हाँ अगर आपका रिप्लाई नहीं जाता है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वो जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइनेंगे। यहाँ देखिए, संस्था में द्वितीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 का प्रवेश दिनांक 22/9/2022 यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रवेश की अंतिम तिथि 26/9/2022 निर्धारित की जाती है, यानी कि जो अंतिम तिथि है 26/9/2022 निर्धारित की जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा जिनके पास पैसे का या फिर फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है उनको क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें और क्या छूट मिली है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ध्यान से देखेंगे। सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र छात्राएं नियमित रूप के साथ अपना अपना प्रवेश अंतिम तिथि तक संस्था में उपस्थित मतलब स्वयं उपस्थित होकर लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब पहला यहाँ पर दिया गया है प्रवेश फॉर्म, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है वो आपको पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, यानी कि उस पर आपके डिटेल्स वगैरह मांगे जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है एंटी रैगिंग फॉर्म, छात्र एवं अभिभावक की प्रति पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये भी आपको मालूम है, आपने भरा ही होगा पिछली बार। और BTUP यानी कि बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा फल, अंक तालिका, पास विथ मतलब बैक पेपर, पास विथ ग्रेस, मार्क्स स्व प्रमाणित, यानी कि अगर आप पास भी हैं और ग्रेस से भी पास है तो सब सारी चीज़ आपको वहाँ पर नीचे मेंशन आती है तो आपकी मार्कशीट लगेगी। और चौथा ऑप्शन है मतलब चौथे पे है आधार कार्ड स्व प्रमाणित, यानी कि आपका आधार कार्ड का फोटो कापी। और जो पांचवा है सबसे मेन है SBI कलेक्ट द्वारा संस्था के करंट अकाउंट में जमा फीस रसीद धनराशि 11,020 रुपये, ऐसे करके मतलब जो गवर्नमेंट की बात करें तो 11,020 रुपये, अदरवाइज आपका प्राइवेट या फिर एडेड होगा तो आपका अलग तरीके से लगेगा। अब जो जानकारी समझने वाली है सबसे पहले इसको मैं जो नोट पॉइंट है उसको बता दूँ, उसके बाद से मेन मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कहाँ से नोटिस आई है और आपको कब तक समय मिलेगा। ऐसे छात्र छात्राएं जो अनुत्तीर्ण यानी फेल है वे भी अपना अपना पुनः प्रवेश SBI कलेक्ट द्वारा ₹11,020 संस्था के करेंट अकाउंट में जमा कर फीस रसीद के साथ उपरोक्त संलग्न बिंदु संख्या 1 से 4 यानी कि जो ऊपर आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं 1 से 4 तक आधार कार्ड और प्रवेश फॉर्म ये सब तो जमा कर निर्धारित अंतिम तिथि तक पूर्ण करें। अब देखिए इसके बारे में मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, सबसे पहले ये जो आपको नोटिस आई है राजनारायण यहाँ देखिए प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक आदमपुर तवरगंज गोंडा मतलब गोंडा से आई है, तवरगंज गोंडा आदमपुर से, ठीक है। और ये जो अपडेट जो आपके कॉलेज में हो सकता है आजकल में नोटिस जारी की गई हो, हर एक कॉलेज का समझने वाली बात है, यहाँ पे हर एक कॉलेज का अलग अलग मतलब नोटिस आती है, अलग अलग रूल होता है, जो जब कॉलेज वाले खाली होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार वो फीस जमा कराते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो जो डेट देते हैं उसी में आपको जमा करना होता है। बाई चांस किसी कारणवश मान लीजिए कि आपके पास पैसा वगैरह नहीं मैनेज हो पाता तो ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, जो डेट दिया गया है इसमें कि 22 से 26 तक आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी आपको डांट वगैरह सुननी पड़ती है। और ये होता है कि जब तक आपका जैसे कि मान लीजिए कि आप इस बार आपने पेपर वगैरह जैसे मान लीजिए कि आपकी बैक वगैरह लगी है या फिर आप स्क्रूटनी रिजोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो आपके रिजल्ट वगैरह मार्कशीट वगैरह अटके रहेंगे, हो सकता है बैक लगी है या फिर हो सकता है आप ईयर बैक लगी हो और आपका बाद में जाकर के क्लियर हो जाए, तो आपका एडमिशन उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उससे पहले तक, जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है उससे पहले तक आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो आपका संस्था डेट दे रहा है उसी डेट में आप सारी चीज़ें कर लें। अगर आपका मान लीजिए कि बैक वगैरह स्क्रूटनी रिजोल्यूशन का फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं तो आप अभी वेट करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप सोचते होंगे कि हाँ हमारी बैक लगी है और जो हम कॉलेज में मार्कशीट जमा करेंगे एडमिशन के टाइम तो बैक वाले जमा करेंगे और पता चले कि आपकी बैक वगैरह बाद में क्लियर हो गई तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा रुके भी रहेंगे और अपने क्लास टीचर से संपर्क भी कर लेंगे कि ऐसी ऐसी बात है क्या करें, तो खुद बता दें कि हाँ आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। और रही बात फीस जमा करने की, फीस जमा करने के लिए मैं आपको एक ऑनलाइन तरीके से फीस कैसे जमा करना है एक प्रोसेस एक वीडियो आपको दे दूंगा कि हाँ इस तरीके से आप फीस जमा करेंगे। कई बच्चों के फीस वगैरह जमा करते हैं मोबाइल से तो फंस जाता है, तो इस तरीके की आपको गलतियाँ वगैरह नहीं करनी है। और सारी चीज़ों को जो SC ST बच्चे हैं SC ST कैटेगरी के उनको विशेष ध्यान देना है कि आपको छूट भी मिलती है, अगर आपके पास पैसा वगैरह नहीं हो पाता है तो बस आप एग्जामिनेशन मतलब शुरू में जो आपकी एग्जाम फी होती है उसको जमा करके आप आराम से एडमिशन वगैरह
ले सकते हैं। जब आपकी स्कॉलरशिप की राशि आती है तब आप अपनी फीस को क्या करेंगे, उससे कटवा देंगे। अदरवाइज अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई तब आपको अपने जेब से पैसा देना होगा बाद में। तो अदरवाइज यही सोचा जाता है कि चलिए बाद में देना भी है, स्कॉलरशिप कटवाना भी है, कैसे देना ही है, तो पैसे हम अभी दे दें। लेकिन जो जिनके पास आर्थिक गरीबी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो इसका लाभ उठा सकते हैं कि शुरू में फीस ना जमा करके जब स्कॉलरशिप की राशि आए तब अपनी फीस को जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपडेट एक हम लोग के कॉलेज के मतलब पास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सेंड किया है। उनके यहाँ सारे एडमिशन वगैरह प्रोसेस चालू हो गए हैं। अगर आपके भी कॉलेज में कुछ एडमिशन के प्रोसेस या फिर अगर कोई नोटिस वगैरह आती है तो आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, इसलिए कि सारे स्टूडेंट्स ही अलग अलग तरीके के सेंड करते रहते हैं, वही जानकारी आपको दी जाती है और ये जानकारी सभी को मिल जाए। हो सके कि कोई बच्चे इसको लेकर के अभी बाद में एडमिशन होगा, बहुत लेट से होगा, तो फीस की भी व्यवस्था ना किए हों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मुझे मालूम है कि वो फीस की व्यवस्था नहीं किए होंगे और फीस को अब ये नोटिस ये वीडियो देख करके हो सकता है कि वो भी सोचेंगे कि हाँ आपके कॉलेज में भी एक दो दिन में नोटिस आ सकता है कि हाँ इस महीने के लास्ट तक ही आपको फीस वगैरह जमा करनी है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसे की ही है और सब सारी चीज़ें तो मैनेज कर लेंगे आप। और सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, जो एंटी रैगिंग फॉर्म है वो कैसे मिलेगा आपको, और फीस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी डिटेल के साथ कि कैसे आपको फीस कटवाना है अपने कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट के लिए। और रही बात एंटी रैगिंग के लिए, उसको उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सारी डिटेल के साथ। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। हाँ, आपका जो एडमिशन आपको लग रहा होगा कि हाँ 26 तारीख तक एडमिशन होगा, तो ऐसी बात नहीं है, आपका एडमिशन चलते रहता है और हर एक कॉलेज से अलग अलग नोटिस आती है। लेकिन आप तैयार जरूर रहेंगे और कॉलेज जरूर आएंगे, संपर्क जरूर करते रहेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने कॉलेज के ग्रुप में ऐड जरूर रहेंगे और सारे मैसेज को देखते जरूर रहेंगे, कभी भी नोटिस आपके यहाँ से आ सकता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।